तो सवाल जो हमारे पास इस वक्त है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वजह है तस्मिया जिन्नात के बारे में। जिनकी वजह तस्मिया, दरअसल ये अरबिक वर्ड है, जैसे हम कहते हैं जन्ना या जुन्नू, जुनून के माने में, या जिन्ना के माने में, जिन्नन जिन्नतन, ये सारे वर्ड हमको अरबी में मिलते हैं। जब हम डिक्शनरीज में पढ़ते हैं तो उसका माना आता है छुपना, किसी नज़रों से ओझल होना। मिसाल के तौर पे मजनून या जुनून इसलिए कहा जाता है क्योंकि के अकल पर पर्दा पड़ चुका है। एक चीज़ सामने अगर पर्दा आ जाए तो आपको उस पर्दे के बाहर क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो इसको कहते हैं पर्दा। अकल पे जब पर्दा पड़ जाता है तो कहते हैं ये मजनून है। और इसी तरीके से अजिन्ना कुरान मजीद में वर्ड आया है, यानी मतलब कि रहम मादर में पाए जाने वाले बच्चे को जनीन का हमें लफ्ज़ मिलता है, कलिमा मिलता है अरबी ज़बान में, क्योंकि वो हमारे सादा निगाहों से नज़र नहीं आता बच्चा, लेकिन मालूम होता है कि कोई बच्चा है उधर। तो इसी तरीके से जुन्नतुन कहते हैं ढाल को, गोया के ढाल आपके आड़ में है, तलवार का घाव आपके हाथ को नहीं लगेगा क्योंकि दरम्यान में आड़ मौजूद है, रुकाने वाली चीज़ मौजूद है। उसी से निकला है ये वर्ड जिन, क्योंकि जिन हमको उनकी असली शक्ल, वैसे तो जब शक्ल बदल लेते हैं, रूप धार लेते हैं, अगर वो कभी वो बिच्छू की शक्ल में, कभी सांप की शक्ल में, कभी उड़ते हुए परिंदों की शक्ल में, या इसी तरीके से आवारा किस्म के जिन होते हैं जो किसी भी शक्ल में आते हैं, तकलीफ पहुंचा के चले जाते हैं। ये सारी शक्लें बदलने की अल्लाह ने उनको एक ताकत दी है, जैसे इंसानों में अलग अलग सलाहियतें होती है, जिनों को भी अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है। ये अलग बात है कि उसका मिसयूज़ करके वो शरारत करते हैं, तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना है वही बताया गया कुरान मजीद में। तो उनकी जो अपनी असली शक्लें हैं वो हमको चूँकि सादा अंदाज में नज़र नहीं आती, इसलिए उनको जिन कहा गया। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 के आयत नंबर 27 में अल्लाह सुबहान व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, कि वो और उनके कबीले कुंबा तुमको देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख पाते। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आने वाली। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता ये है कि जो बुजदिल होता है वो छुप कर हमला करता है जी। एक हिम्मत वाला होता है तो सामने आकर हमला करता है। और अल्लाह का कलाम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुबहान व तआला अर्श पर है और अल्लाह सुबहान व तआला का इल्म हर जगह पर है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जो भेजा है, इस कलाम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं सूरह हशर के अंदर, लो अनज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ क्या हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। का मतलब ये निकला कि कुरान में इतना पावर है और वो कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद है, और ये जो दुश्मन है नज़र नहीं आने वाला है। नज़र नहीं आना खुद इस बात की अलामत है कि वो बुजदिली की अलामत है, और अल्लाह के कलाम का मुकाबला ये नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्लाह सुबहान तआला के कमज़ोर मखलूक है। हमको हो सकता है कि कुछ ताकत नज़र आ रही है, ये ताकत देने वाला भी कौन है, अल्लाह सुबहान तआला है। इस ताकत को कमज़ोर करने वाला भी अल्लाह ताला क़ादिर है, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो कुरान मजीद में शिफा रखी हुई है, तो हमको घबराने की बात नहीं है कि छुप कर हमला करते हैं, क्योंकि हमारे पास मजबूत हथियार मौजूद है, वो है कुरान मजीद अज़कार। तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के ईमान की कमज़ोरी है, मालूमात की कमी, अवेयरनेस की कमी। मिसाल के तौर पे एक आदमी के हाथ में मान ली मिसाल दर तलवार मौजूद है या गन मौजूद है, लेकिन वो खुद डरपुक अगर है तो गन भी बराबर नहीं चला पाएगा, तलवार भी नहीं चला पाएगा। तो आदमी के लिए पहले कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके असबाब काम आएंगे, वरना असबाब भी काम नहीं आएगा। मिसाल तौर पर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास तलवार अच्छी हो तो उस तलवार चलाने के लिए हाथ भी बड़े मजबूत होने पड़ेंगे, अगर हाथ कमज़ोर हो तो फ़ायदा नहीं है। तो कुरान मजीद हमारे पास है, सही अहादीस मौजूद है, लेकिन अगर मैं ही नादा बन जाऊँ, मैं ही कमज़ोर बन जाऊँ, फोबिया में रहूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से ये जो एपिसोड में हम जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो होते कौन है, क्या उनका निकाह होता है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक इंसान का, अच्छा इनकी औकात इतनी है, अच्छा इनका ये लेवल है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। कई सारे सवाल का ऑलरेडी जवाब दे दिया, हम पूछना चाह रहे थे कि उनकी कितने किस्में हैं, क्या वो दिखाई देते हैं, लेकिन आपके जवाबों में ऑलरेडी उन बातों का जिक्र आ गया।
अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।